वेलकम गाइस इन यूडो एजाइल। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे हम लोग 75 डेज में कंप्लीट लूसेंट साथ में आपका रेफरेंस बुक के साथ कवर कर रहे हैं, और ये आपका 6 लेक्चर है पॉलिटी का ही। इसके अलावा खेलकूद परिदृश्य के 2 लेक्चर आ चुके हैं, और एंशियंट हिस्ट्री का आपका शुरू हो चुका है। अभी धीरे से आपको ज्योग्राफी का भी मिलेगा, इकोनॉमी और साइंस का। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली लेक्चर्स को आपको देखना है, और सबसे पहले आपको ये समझ लेना कि आपका कंपटीशन किससे है, कौन सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। अगर आप कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी या सीजीएल, कोई भी सेंट्रल या अच्छे लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है रूटीन बनाना, और रूटीन बनाने के लिए ही हम ये सीरीज लेके आए हैं। अदरवाइज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह बुक में मिल जाती है। आपको रूटीन बनाना है, ये लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखना है आपको, क्योंकि सेम टीचर, सेम आवाज़, सेम वीडियो जब आप 2 से 3 बार देखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म होगी आपके दिमाग में और रिटेन होगी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 3 पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में और सिंपल वे में ट्रिक के साथ कवर करा के रखा है आपको, तो जाके देखिए। पूरा बेसिक्स हमने उठा हुआ है, पूरे फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर क्लियर हुए। आज चौथा लेक्चर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के बारे में सबसे पहली एक बात आप जान लीजिए कि संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क या उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाला भाग डीपीएसपी है। ये एक एजिटिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखिए कि ये भाग 4 में आता है और अनुच्छेद 36 से 51 इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला बताता है 36 आपका राज्य की परिभाषा, जैसे वहाँ पे 12 नंबर अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स में बता रहा था राज्य की परिभाषा। अच्छा, डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य, ये देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर, अभी 2020 वाला प्री उठा के देखिएगा, पूछा हुआ था कि कौन कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है, तो आप बताओगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ये होते क्या है असल में, राज्य कुछ मूलभूत निर्देशों से चले जो कि समाज कल्याण के लिए आवश्यक हैं, बस यही बताता है आपका डीपीएसपी कि राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कि समाज हित में हो। तो 36 नंबर बताता है राज्य की परिभाषा, और 27 बताता है कि जो डीपीएसपी हैं ये आपके जस्टिसिएबल नहीं है, बाध्य नहीं है। इसका मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके अनिवार्य तो नहीं है, बट आवश्यक है। अनिवार्य नहीं बट आवश्यक है, क्योंकि सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए ये निर्देशन प्रदान करते हैं। चलिए, तो कल्याणकारी राज्य और बाध्य नहीं, ये आपका 37 नंबर आर्टिकल बताता है। चलिए, 38 आपका बताता है 3 तरीके के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आपका 38 नंबर आर्टिकल बताता है। तो 36 आपका बता रहा था राज्य की परिभाषा, 37 कि ये बाध्य नहीं होते हैं, कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं, और 38 बताता है न्याय, 3 तरीके के न्याय आपके, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। 39 नंबर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर, आप उठा के देखिएगा, मिलेगा आपको। ये बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, कौन सा नंबर अनुच्छेद बताता है। एक तो ये पूछ सकता है आपसे, तो आप बताओगे 39। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि ये प्रोविजन किस में दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, डीपीएसपी में, या संसद संसद ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो आप क्या बताओगे, डीपीएसपी में। तो आपको अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ, 36 क्लियर हुआ, 37 क्लियर हुआ, 38 क्लियर हुआ, और 39 क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा आपको 39 के बारे में एक ट्रिक देख लीजिए। 39 के लिए हमने ये बताया कि एक वर्ड आप याद रखिए, पी एच डी और सी। पी से पे हो गया, मतलब समान वेतन मिले, एच से हेल्थ हो गया, डी से भैया कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन वाला काम यहाँ पे किया जाएगा, मतलब केंद्रीय। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, विकेंद्रीकरण, मतलब पावर एक जगह ना होके सुचारू रूप से बटी हुई होगी। जैसे केवल और केवल मोदी जी, मतलब कि सेंट्रल के पास पावर नहीं हो और स्टेट के पास खुद की पावर्स भी होनी चाहिए, यही आपका विकेंद्रीकरण बोलता है, ठीक है। और सी से आपका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा आपका, विकेंद्रीकरण होगा, यही बताता है आपका आर्टिकल 39। तो 39 के अंदर के सब क्लॉज भी देख लीजिए आप कि क्या बताता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, हमने वहाँ पे पीएचडी पढ़ा था ना, तो जो पे है वो आपका 39 का है। क्या बताता है, धन का स्वामित्व व समान नियंत्रण इस प्रकार हो कि सार्वजनिक हित में होना चाहिए, ठीक है।
पे हो गया। इसके अलावा धन का समान वितरण होना चाहिए, ये आपका बताता है 39 गा नंबर। का खा गा, समान कार्य, धन का स्वामित्व और धन का समान वितरण। अच्छा, फिर आप देखिए 40 नंबर, 40 नंबर ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। चलिए तो एक बार 36 से लेकर 40 तक हमको पहले रिकॉल करवाइए। रिवीजन और प्रैक्टिस ही सारा का सारा खेल है और कुछ नहीं है। एक बार पढ़ के निकल गए, आपको लगेगा कि बन रहा है, लेकिन जब आप बैठोगे एग्जाम में कन्फ्यूज़न आएगा। तो देखिए 36 से एक बार 40 क्या क्या था आपका, राज्य की परिभाषा। 37 भैया बाध्य नहीं है, कल्याणकारी राज्य। फिर आपका 38 क्या था बताइए जल्दी से। देखिए 38 दिखाते हैं आपको, न्याय बताता है, तीन तरीके के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 39 क्या बताता है आपका, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या क्या होगा आपका, इक्वल पे वाला, हेल्थ वाला और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, PHDC ट्रिक याद रखिए। 40 नंबर ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। अच्छा 41 के बारे में हमने एक वर्ड बोला बस, WEEP वीप। 41 के लिए आप WEEP याद रखिए। W से वर्क, E से एजुकेशन, फिर E से आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और P से आपका हो जाएगा पब्लिक असिस्टेंस, मतलब कि लोक सहायता। ठीक है, तो काम रोजगार मिलना, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और लोक सहायता। 42 बताता है प्रसूति सहायता का उपबंध व काम की न्यायसंगतता, मतलब कि अगर कोई महिला प्रसूति में है तो उसे उस टाइम पीरियड का वेतन मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं हो, इसके बारे में बताता है 42 नंबर। 43 बताता है मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर 44 बताता है समान संहिता, इसको कैसे आप याद रखोगे, चार चार दोनों समान है ना, तो चार चार समान है, समान से समान संहिता। 45 बताता है जीरो से 6 वर्ष के अंदर के बच्चों को शिक्षा और देखभाल दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 6 वर्ष। वहाँ पे क्या था 21A में, जरा कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था पहली बात, और दूसरा इसमें जो आयु दे रखी है बच्चों की वो कितनी दे रखी है, आपको बताना है 21A के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका 45। अच्छा 45 आपने कैसे कैसे याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए कि 4 और 5 किसके बीच में आता है, 0 से 6 के बीच में आता है ना, तो ये देखिए 0 से 6 के बीच में 4 और 5 आता है, मतलब 45 बताता है 0 से 6 वर्ष के अंदर के बच्चों को शिक्षा तथा देखभाल देना। चलिए 46 देखिए, 46 में देखिए एस आ रहा ना, एस से हमने SC ST बना दिया, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों को शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान इसमें दे रखे हैं 46 में। तो ट्रिक्स आप देख पा रहे हो, 44 समान है ना, तो समान संहिता, 45 0 से 6 के बीच में आ रहे हैं, 46 6 में एस आ रहा ना, तो SC ST हो गया। अगला देखिए 47 बताता है पोषक स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और 48 बताता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब कि करना पड़ेगा आपको कि कृषि और पशुपालन का को सही तरीके से सुचारू तरीके से आप बढ़वाओगे। अच्छा 48 का आपका जोड़ा गया है बाद में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसके द्वारा क्या जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा और वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके अभयारण्य बनते हैं, जो भी आपके नेशनल पार्क्स बनते हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत निर्मित होते हैं, आप ये बता सकते हो। फिर 49 क्या बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का आप क्या करोगे, संरक्षण करोगे। और इम्पॉर्टेंट UPSC 2020 का प्री का क्वेश्चन कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा नंबर आर्टिकल बताता है, तो आप बताओगे 50। और ये किसमें वर्णित है, तो ये वर्णित है DPSP में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। अच्छा कार्यपालिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव आपके जो जैसे लोकसभा ये सब हो गया, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला, इनका क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो सजा तो भैया यही तो देंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। अब अगर ये इनके साथ हो गए तो फिर कौन इनको सजा देगा, इन पे अंकुश कौन लगाएगा, इस कारण से जरूरी होता है। और 51 सबसे लास्ट है, तो भैया आप ट्रिक इसकी देख लो सिंपल सी कि क्या बताओगे आप इसके बारे में कि हमने DPSP पढ़ा 36 से 50 पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, हम थक गए, तो अब लास्ट में पहुँचे हैं 51 में, तो हम अब शांति से बैठेंगे सुरक्षा के साथ। तो 51 क्या बताता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। ठीक है, अच्छा भाग 4 के अलावा भी आपके कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि यहाँ पे वर्णित नहीं है, वो कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो आप बता दोगे कि 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देना, ये भी एक DPSP है जो कि पार्ट 4 में नहीं है।
351 जो कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, ये भी एक डीपीएसपी है जो कि भाग चार में नहीं है।